वर्ल्ड कप 2023 भारत की मेजबानी में खेले गए, लेकिन वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते टीम इंडिया का तीसरी बार वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूट गया। वही साल 2024 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी को लेकर भी आगरकर ने कुछ साफ कर दिया है, क्योंकि बीते कुछ दिनों में T20 फॉर्मेट में हार्दिक पांड्या ही कप्तानी कर रहे हैं। लेकिन इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा या हार्दिक पांड्या कौन कप्तानी कर सकता है, आगे हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसके साथ आपको बताना चाहूंगा कि अगले साल वेस्टइंडीज और अमेरिका की मेजबानी में T20 वर्ल्ड कप जून 2024 में खेला जाना है, जिसके लिए टीम इंडिया की कप्तानी एक बार फिर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा करते दिख सकते हैं, क्योंकि टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजित आयरकर का मानना है कि अभी टीम इंडिया की कप्तानी रोहित शर्मा ही करते दिखेंगे, जबकि हार्दिक पांड्या टीम के उप कप्तान बने रह सकते हैं। बता दें कि अभी टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में आराम दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा आखिरी बार T20 फॉर्मेट में T20 वर्ल्ड कप 2022 में खेलते हुए नजर आए थे, जिसके बाद से रोहित शर्मा को मात्र वनडे और टेस्ट टीम की कप्तानी सौंपी गई है। लेकिन अब T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए रोहित शर्मा की वापसी 10 दिसंबर से होने वाले साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में हो सकती है। इसके साथ आपको बता दें कि टीम इंडिया को वर्ल्ड कप से पहले मात्र 3 T20 सीरीज खेलनी है, जिसके बाद IPL और उसके बाद टीम इंडिया वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर आएगी। बात करें अगर T20 में रोहित शर्मा के प्रदर्शन की, तो अब तक रोहित ने भारत के लिए कुल 148 T20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 30 की औसत से 3,853 रन बनाए हैं। रोहित का इस दौरान स्ट्राइक रेट 139.25 का रहा है। वही रोहित शर्मा T20 में 4 शतक और 29 अर्धशतक लगा चुके हैं। आपको क्या लगता है T20 वर्ल्ड कप में रोहित या हार्दिक किसे कप्तानी मिलनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसी चैनल का अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने आपको सुरक्षित रखें।